She got a body like a goddess. And she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. तो इतना मोटा में दोस्तों कि एक आदमी जो है ना इसको एक हाथ से नहीं पकड़ सकता, इसको तीन आदमी चाहिए दोस्तों पकड़ने के लिए हाथ से, जितना कि देख पा रहे। तो स्वागत दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमें गाजीपुर की धरती पर यानी कि लाड कार्नवालिस पर, तो दोस्तों आज का पूरा वीडियो दिखाएंगे इसी पे, और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देना आप लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और मजा बहुत आएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों, पूरा सिनेमेटिक रहेगा और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो दोस्तों एक बार जरूर आप लोग विजिट करिए गाजीपुर में, आपको बहुत अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। ये लाड कार्नवालिस बहुत पुराने अंग्रेजों के टाइम का दोस्तों था, अंग्रेजों के टाइम का था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुना हो कि दोस्तों यहाँ बहुत पैसा है, लेकिन सच में क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको देख के बताता हूँ क्या क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई लव हमारा गाजीपुर। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा एरिया, देख लो लोकेशन, और उसके बाद लेके चलते हैं अंदर, आपको हम थोड़ा दिखाते हैं व्यू। चलिए भैया, ये रहा भैया लोकेशन, कितना शानदार लग रहा है यार एकदम। वाओ क्या नाइस, फैंटास्टिक यार। अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको हम थोड़ा लोकेशन, अब यहाँ से स्टडी है, थोड़ा टिकट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं व्यू पूरा लाड कार्नवालिस का, उसके बाद आपको दिखाते हैं। टिकट कहाँ मिलता है? टिकट बना लीजिए। हाँ सब अच्छा, तो चलिए टिकट काटिए। हेलमेट वगैरह रखे हम? तो भाई साहब अपना हेलमेट रख दिए, इसके बाद अभी भैया देखे क्या बोलते हैं। हाँ बताइए जी, स्कैन करिए फोन पे गूगल पे। अच्छा मतलब डायरेक्ट कैश लेंगे क्या करेंगे? अच्छा कैश नहीं लेते आप, क्यों? कैश का अलाउड पहले तो था ना? नहीं हम तो, अच्छा आप नया है, चलिए ठीक है स्कैन करते हैं एक बार। इंचार्ज है, पूछने का तो बता दीजिएगा। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉम ऑफ लॉर्ड कार्नवालिस है ना, यहाँ पर है। और उसके बाद ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर लॉर्ड कार्नवालिस का। और दोस्तों ये छोटा सा पार्क है, इसमें लोग आते रहते हैं घूमते रहते हैं। और ये लोकेशन देख लो कितना जबरदस्त लग रहा है भाई साहब, ये लॉर्ड कार्नवालिस, इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये देख लीजिए इतना शानदार लग रहा है, चलिए आपको नजदीक से दिखाता हूँ और आपको इतना मजा आएगा। तो ये देख लीजिए भाई साहब, डिजाइन तो बहुत अच्छी है, ये पूरा घास एकदम बहुत प्यारा लग रहा है लोकेशन, और इतना शानदार लोकेशन है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे लॉर्ड कार्नवालिस है, चलिए लेके चलता हूँ आपको थोड़ा नजदीक दिखाता हूँ, और बहुत ही प्यारा लगेगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी खासियत बहुत बड़ी है दोस्तों, ये अंग्रेजों के जमाने के है ना, तो उस टाइम दोस्तों यहाँ पे जब गुलामी चल रहा था आजादी के टाइम का, तब नजदीक दोस्तों इतना प्यारा लग रहा है यार, क्या बताऊं मैं। ये देखो भाई साहब, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार। दोस्तों अगर गाजीपुर से होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग। बाकी ये देख लीजिए दोस्तों लोकेशन इतना प्यारा है कि क्या बताऊं मैं, ये देख लो भाई साहब। और मैं थोड़ा दोस्तों सोच रहा हूँ कि आप लोग को मैं वाइड एंगल दोस्तों करके दिखा दूँ, और इतना प्यारा लग रहा है ये दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों इतना जबरदस्त व्यू है कि क्या बताऊं मैं। चलिए थोड़ा सा नजदीक दिखाता हूँ आपको, तब मजा आएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये लोकेशन देख लो इतना जबरदस्त प्यारा है, अभी आगे तक देखते हैं कैसा सीन है कैसा सीन नहीं है। और दोस्तों देख सकते हैं कि इतना जबरदस्त प्यारा है व्यू कि क्या बताऊं, अभी आपको आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं व्यू का पूरा। रास्ता बहुत क्लियर है दोस्तों एकदम, अभी देखिए बैठने के लिए यहाँ पे थोड़ा बैठ सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर ज्यादातर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा आते रहते हैं भाई साहब, तो अंदर लेके चलते हैं। देखिए भाई साहब वो क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी उम्र कितनी हो चुकी यार, यानी कि घूमने की उम्र लड़कों की होती है 20 से 25 साल। पार्क में दोस्तों बुढ़े भी आ जाते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है अक्सर। चलिए लेके चलता हूँ थोड़ा दिखाता हूँ भाई साहब, रास्ते भी देख लो इतना प्यारे लग रहे हैं, इतना क्लीन रास्ते हैं भाई साहब की, व्यू बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। और यहाँ का व्यू और ये भाई साहब रास्ते भी बहुत प्यारे प्यारे हैं यार, ये देख लो। ऐसा नहीं कि यार कोई एक बंदा बंदी छुप कर अंदर झाड़े में बैठा होता, अक्सर अक्सर होता है ना यार कि झाड़े में बैठे रहते हैं सर लोग। यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब एक नंबर, Thank you.
क्या गजब लग रहा है भाई साहब, देख सकते हैं दोस्तों लार्ड कार्नवालिस इतना जबरदस्त, इतना प्यारा लग रहा है दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही शानदार लग रहा है, और स्काई भी है और हरा हरा देखिए, पूरा पेड़ पौधे भी हैं दोस्तों इसमें और खिल जा रहा है पूरा एकदम, देख कर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और कैसा लग रहा है दोस्तों आपको, समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा सा आपको विजिट कराते हैं अंदर का सीन, कैसा सीन है कैसा सीन नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है लोहे का गेट है और ये सीढ़ी है, और ये रहा दोस्तों लार्ड कार्नवालिस, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों इतना प्यारा है कि क्या बताएं दोस्तों। ये तो भाई साहब लार्ड कार्नवालिस की बात अलग है, अभी देखते हैं कोई अंदर ना घुस जाए, अंदर ना होगा यार तो फिर, क्योंकि पार्क में दोस्तों ऐसा अक्सर होता रहता है कि बंदा मंदी जरूर घुसते रहता है। तो हम भी चल के देखते हैं कितना शानदार पार्क है। और भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए, ये देख सकते हैं दोस्तों ये खुला है कि नहीं, अरे यार ये तो बंद है, अंदर से लगता है पूरा बंद है। ये देखो दोस्तों ताला मारा हुआ है और इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं मैं भाई साहब, इतनी प्यारी यार। और इसके पाए यार इतने मोटे मोटे पाए हैं यार, ये देखो यार, ये देखो भाई साहब इतना मोटा मोटा, इसको इसको हाथ से नहीं पकड़ सकते। और ये इतना ऊंचा पे है यार, ये देखो भाई साहब इतने ऊंचे ऊंचे पे है यार, ये देख लीजिए दोस्तों इतना ऊंचा है यार। और इसकी ये देखो पाया देखो यार, इतना मोटा मोटा पाया है, ये देख रहे ना इतना मोटा मोटा पाया है, तो क्या बताऊं भाई साहब। ये देखे लगता है काम चल रहा है यहाँ पर, बाकी ये लुकिंग देख ही सकते हैं दोस्तों, इतना जबरदस्त व्यू है। बाकी यहाँ से दोस्तों देख ही सकते हैं कि ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से लोकेशन ही बहुत प्यारा लगता है दोस्तों। वहां से दोस्तों हमने टिकट कराया था, वहां से टिकट कराया, उसके बाद जो है दोस्तों घूमा हमने, और ये छोटा सा पार्क है, और वहां पर देखो देख ही दीजिए दोस्तों वहां कितना शानदार लुकिंग लग रहा है यार। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा ब्लॉग, अगर दोस्तों पसंद है सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग, इतना ऊंचा पे खड्डे में गिर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा सर, है ना। ये देखो दोस्तों इतना मोटा है दोस्तों कि इसको एक आदमी एक हाथ से नहीं पकड़ सकता, इतना मोटा में है ये। और यहाँ से देख लो दोस्तों इतना प्यारा लोकेशन है, ये देखो भाई साहब इतना जबरदस्त व्यू है यार, गजब यार, इतना मानना पड़ेगा यार। और इसका लोकेशन देख लो यार, इतना प्यारा लोकेशन यार, ये देखो इसके डिजाइन देखो, खिड़की इतनी प्यारी लग रही है यार। और इसके ये देखो डिजाइन, ये वाले डिजाइन भाई साहब, इसके डिजाइन ये देख लो यार कितना प्यारा है लुकिंग। और ये देख लो यार गड्ढे, ये देखो भाई साहब ये ऊंचे ऊंचे साइड में, और ये लार्ड कार्नवालिस का सीन। अब दोस्तों ये देख लीजिए इतना प्यारा लग रहा है लुकिंग, थोड़ा सा मैं सर्च करके दिखाता हूँ, वहां पर देखो कुछ लिखा हुआ है यार, कितने टाइम बना, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, WGSENG 189 ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर, बाकी डिजाइन देख लो यार इतना प्यारा डिजाइन है कि क्या बताऊं मैं। तो ये रहा दोस्तों लार्ड कार्नवालिस का सीन, ये फिर थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए इस पर नोटिस लिखा हुआ है, चार्लिस मार्क्यूस कार्नवालिस। तो यही है भाई इनके नाम पर पूरा कार्नवालिस लोकेशन। जितना इसके बारे में दोस्तों बताऊं उतना कम है, इसके बारे में जितना बताऊंगा दोस्तों उतना ही कम रहेगा पूरा, क्योंकि जितना प्यारा लग रहा है ना भाई साहब कि क्या बताऊं मैं दोस्तों। ये पूरा पत्थर से है, और ये पत्थर दोस्तों गर्म नहीं होता है, ठंडा ही रहता है, धूप कितना भी तेज आ जाए दोस्तों, लेकिन ये पत्थर दोस्तों ऐसा है कि ये पूरा गर्म जल्दी होता नहीं है, ठंडा ही रहता है, और ये इतना जबरदस्त पत्थर है ये, है ना। अभी देखिए ये दोस्तों हमको यहाँ से चल रहा है, अभी इसके इसके पिछला वाला है दोस्तों, अब यहाँ चलेंगे हम, देखे गिरो ना यार गड़बड़ हो जाएगा सब।
तो ये देख लीजिए भाई साहब, ये पूरा पतला पतला पत्थर नहीं दोस्तों, ये मोटा पत्थर है ये, और इतना डेंजर पत्थर है भाई साहब कि धूप कितना भी लगे लेकिन जल्दी यार गर्म नहीं होता है, बात ये है दोस्तों। करते हैं चलो दोस्तों वीडियो को और दिखाते हैं इन्फॉर्मेशन। और ये भाई साहब इतना शानदार लुकिंग है यार, सच में दोस्तों आप अगर आप आएंगे एक बार कभी ना कभी यार, तो एक बार जरूर इसको विजिट करना, एक बार लाड करने वाले इसको है ना, लाड करना जरूर गाजीपुर विजिट करना। और भाई साहब ये देखो सीढ़ी यार, यहाँ से देखो दोस्तों पूरा पत्थर का पूरा एकदम पूरा प्योर पत्थर है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखा मना गया है दोस्तों, भाई साहब ये देख लीजिए यहाँ पे गेट है ये वाला, और ये सीढ़ी है, खतरनाक लुकिंग है क्या बताऊं। और यहाँ पे देख लो दोस्तों ये पूरा पूरा हरा हरा, इतना शांति सुकून है दोस्तों यहाँ पे गाजीपुर में दोस्तों, यही घूमने लायक है लाड करने वाली। और भी दोस्तों हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे गंगा जमुना है और घाट है यहाँ पर वो क्या बोलते हैं उसको, गंगा नदी है, वहाँ पर भी जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इतना पेड़ है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों अक्सर जो है फैमिली कम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़्यादा आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये बात को आप मानिए किसी भी पार्क में। तो ये पार्क का लोकेशन ही देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो वहाँ पे जरूर ना कोई कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा देखने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं दोस्तों, इतना जबरदस्त व्यू है और इतना शानदार लुकिंग है दोस्तों कि क्या बताऊं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, एक बार हमारा वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग, जितना हो सका दोस्तों मैंने दिखाया अपने हिसाब से। और बाकी गाजीपुर से दोस्तों होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना आप लोग। तो चलिए थोड़ा सा और व्यू दिखाते हैं थोड़ा बाहर का, तो लोकेशन अभी हम यहाँ से उतरेंगे। ये देखिए सीढ़ी बहुत जबरदस्त लग हुई भाई साहब। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों लोहे का गेट है, पूरा उसी जमाने का दोस्तों ये लोहे का गेट है, मतलब अभी तक वैसे ही बना हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जैसा कि देखिए पूरा प्योर लोहा मुझे लग रहा है, ये देख रहे हैं ना गेट, देखिए दोस्तों इतना बेहतर तरीके से बनाया गया इसको कि अभी तक सड़ा नहीं है, मतलब कोई जंग नहीं है, सिर्फ पेंट हुआ है। और ये रहा दोस्तों यहाँ का गेट, जो कि आप डिजाइन देखकर अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कैसा उस जमाने का दोस्तों ये गेट बना रहा होगा, ये पूरा घेरा गया होगा जो कि पूरा प्योर है दोस्तों, पूरा प्योर लोहे का है एकदम है। और ये पूरा मुझे देखकर ही बिलीव नहीं हो रहा दोस्तों कि ये कैसे अभी तक बचा हुआ। और ये देखिए पूरा सीढ़ी है, और जो कि उस जमाने के पत्थर लगे हुए हैं, जो कि आप जानते हैं दोस्तों कि पहले के जमाने जो पत्थर लगे होते थे बहुत ही ओरिजिनल पत्थर होते थे। और ये पूरा सूरज भी है, और देखिए पूरा अभी तक सिर्फ काला हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन भाई साहब पत्थर तो बहुत एक नंबर है। ये देखिए नीचे से पूरा है दोस्तों, ये इतना ऊंचाई पे है, ये देख लीजिए इतना ऊंचाई पे, देखने में आपको लग रहा होगा पूरा एकदम कितना हाइट पे है दोस्तों। ये देखिए इतना जबरदस्त व्यू है, देख कर ही अगर ड्रोन होता दोस्तों तो मैं ड्रोन आपको उड़ाकर दिखाता, लेकिन ड्रोन नहीं है, अफसोस इसी बात का है। लेकिन भाई साहब मुझे देख कर तो बहुत मजा आ गया, जो कि आप पाया जो कि ऊपर में था दोस्तों, वो उसके ऊपर था तो इतना ऊपर था, अभी देखिए नीचे आओगे तो इतना ऊपर, कितना बड़ा दिखा दे रहा है। और इसका पाया है दोस्तों, इसका पाया गिना नहीं दोस्तों, लोग बताते हैं कि 16 पाया है कि कोई 20 पाया है, इसका कोई कंफर्म नहीं हो पाता है, कितना भी ट्रिक लगाते हैं लोग लेकिन बता नहीं पाते हैं कि कितना कंफर्म है। लेकिन हाँ इसको 3 लोग लगते हैं तब जाके ये पकड़ा जाता है इसका एक पाया, नहीं तो पकड़ा नहीं जाएगा, ये भी जान लीजिए। अगर आप आएंगे ना तो आप सोचेंगे कि अकेले पकड़ लूँ तो नहीं पकड़ा, 2 लोग भी नहीं पकड़ सकते इसको, कम से कम 3 लोग चाहिए तब जाके ये बराबर आएगा, फिर भी 2 से 3 इंच छूटी जाता है, इतना मोटा है और इसकी हाइट भी काफी ज्यादा ऊंचा है। और यहाँ से लुकिंग, यहाँ से देखो कितना व्यू अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ से इतना जबरदस्त व्यू लग रहा है, तब क्या दोस्तों ये देख लो जैसे दोस्तों इतना ऊंचा हाइट पे है दोस्तों, ये देख रहे ना दोस्तों इतना नहीं ऊंचा हाइट पे है ये। और ये देखो भाई साहब इतना हाइट पे यार, गजब लग रहा है यार, पूरा बेहतर लग रहा है यार भाई साहब। तो दोस्तों कितना जबरदस्त व्यू लग रहा है आपको देखकर समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि लाड कार्नवालिस का लोकेशन बहुत ही प्यारा लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आना एक बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों, और घूमना भी चाहिए लाइफ में, हमेशा घूमो फिरो। तो दोस्तों देख ही सकते हैं कि लाड कार्नवालिस इतना जबरदस्त व्यू है कि मैं सिनेमेटिक और हर तरीके से लेने का प्रयत्न किया और आपको दिखाने का काम किया। दोस्तों देख ही सकते हैं दोस्तों कि इतना बड़ा व्यू है, एकदम जबरदस्त व्यू है और इतना हाइट पे दोस्तों, ये देख लीजिए
इसकी हाइट का अंदाजा लगाई सकते हैं आप, कितना हाइट पे है ये भी लाइट करने वाले इसका ये पिरामिड्स, इसको पिरामिड बोलेंगे क्या बोलेंगे मुझे तो नहीं मालूम है। तो हाइट पे दोस्तों, कितना हाइट पे दोस्तों आप देख सकते हैं, पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त व्यू। मतलब ये दोस्तों मैं बहुत पहली बार देख रहा हूँ, मतलब इतना खूबसूरत और अभी इतना, इससे भी अच्छे से दोस्तों मिल जाएंगे घूमे जाऊँगा तो। लेकिन ये दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख कर, जो कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त व्यू है क्या बताऊँ मैं, शानदार है दोस्तों इसका। बाकी देखिए यहाँ पर दोस्तों ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पार्क में जानते हैं अक्सर पेड़ लगे रहते हैं। वहाँ पर देखो लगता है कि मध है क्या, नहीं मध नहीं है, बस ऐसे ही है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे तक, दिखाते हैं आपको हम लोकेशन। तो भाई साहब पार्क से बाहर आ गए हम, अभी देख चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो लोकेशन, ये देखो भाई साहब डिजाइन भी बहुत प्यारी है, पूरा हरा हरा है दोस्तों, यहाँ पे आने का मतलब ही कुछ अलग है दोस्तों। थोड़ा आगे तक जाते हैं और दिखाते हैं व्यू। ये लगता है भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो देखो मैंने बोला था ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो अक्सर आते रहते हैं। ये देखो दूर से कितना प्यारा लग रहा है एकदम, अभी देखिए लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नजर होंगे, इसमें साले छुपे रहते हैं सब। बाकी यहाँ पर यार बहुत ही शानदार लग रहा है लुकिंग, ये बहुत ही शानदार लग रहा है भाई साहब, वहां से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और इतना व्यू जबरदस्त है क्या बताऊं मैं। और दोस्तों ये चलने के लिए रास्ते हैं, ताकि लोग चलने के लिए रास्ते बहुत जबरदस्त तरीके से बनाया गया है ताकि इसमें सब सफाई हो, लेकिन क्या करें दोस्तों, जब भी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आती है दोस्तों तो समझ सकते हैं कि आप पार्क को ही सब यो गंदा तो हो ही जाता है, वो आप समझ सकते हैं इसको लेकर बात को लेकर। बाकी ये देखिए रास्ते बहुत क्लीन क्लीन बना हुए हैं और इसकी छटाई दोस्तों बहुत ही तगड़ी बनाई गई है, और हमारे पीछे देख ही सकते हैं लाड करने वाली से इतना ज़बरदस्त तगड़ा व्यू है, इतना ज़बरदस्त व्यू है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब और लाइक दबा के ठोकना आप लोग बेल आइकन के साथ, जितना कि दोस्तों मैंने दिखा पाया आपको। और दोस्तों यहाँ से लोकेशन देख लीजिए, इतना प्यारा लग रहा है एकदम, इतना प्यारा दोस्तों यहाँ से लोकेशन लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं यार, जितना दोस्तों मैं बताऊँ इसके बारे में बहुत कम है, गाजीपुर की जितनी चर्चा करूँ दोस्तों उतना ही कम है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पैसा और इज्जत दोनों पसंद है दोस्तों। और ये देख लीजिए भाई साहब दूर से देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है एकदम, एकदम शानदार। तो थोड़ा आगे तक चलते हैं और दिखाते हैं आपको हम। सच बताऊं दोस्तों तो मुझे इस बात का डर ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर कोई छुप कर बैठा ना हो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड, तो भाई चलो यार उनका काम है, उनकी ज़िंदगी है तो बैठेंगे ही ना यार। और यहाँ पर देख ही सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पार्क पूरा है, थोड़ा आगे तक चल के देखते हैं कैसा कैसा माहौल है, कैसा माहौल नहीं है। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत ही डिज़ाइन बहुत अच्छी खासी दी गई भाई, मतलब इसके बारे में दोस्तों साफ सफाई बहुत अच्छी खासी है यहाँ पे, लाड करने वाले से कि दोस्तों साफ सफाई बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखिए छांव दोस्तों बैठने के लिए बहुत अच्छा है एकदम, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई साहब, छांव बैठने के लिए बहुत ही प्यारा है एकदम, ताकि कोई भी आए बैठ सके। लेकिन दोस्तों बात यह है कि इसमें पैसा लगता है, थोड़ा बैठने के लिए पैसा लगेगा, आप घूमेंगे फिरेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इस बात को लेकर आप जान लीजिए। वहाँ पे जाना सही नहीं है, लेकिन हमको वहाँ पे जाना सही नहीं है, अब हम चलते हैं अपने रास्ते पे, क्योंकि दूसरे जगह जाएं किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है भाई साहब, तो अपने काम से काम रखेंगे हम लोग। और देखो दोस्तों देख लीजिए वो बाहर का सीन है, वो पूरा दोस्तों बाहर का सीन है वहाँ पर,
अब उसके बाद ये बीच में जो है लार्ड कार्नवालिस है, और ये बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं यहाँ पर। और ये रहे दोस्तों रास्ते, एकदम इतने ज़बरदस्त रास्ते हैं। और यहाँ पे रास्ते बहुत ही प्यारे हैं, और ये देखिए फूल है बेचारा, एकदम जबरदस्त लग रहा है एकदम। तो चलिए थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं व्यू। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो आपको, देखकर समझ में आ रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग एक बार सपोर्ट और प्यार दिखाइए अपना, और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है लोकेशन आपको देखकर, मतलब आपको देखकर अच्छा लग रहा है नहीं। बाकी रास्ते देख ही सकते दोस्तों, आने जाने के लिए रास्ते एकदम क्लीन है, लेकिन फैमिली के लिए सही नहीं है, बैचलर्स के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सही है, बाकी फैमिली लाना सही नहीं है यहाँ पर। और बाकी ये देखिए सफा सफाई पूरा एकदम बेहतर तरीके से हो ही रहा है, बाकी स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे अच्छा है। बाकी लोकेशन ये देख लीजिए, बहुत ही प्यारा लुकिंग है ये। हाँ भैया, आप क्या करते हैं यहाँ पर? कर्मचारी। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजाराम। इसके बारे में बताएंगे थोड़ा मुझे आप? ये बोर्ड लगा गेट पर, तो मैं नया आया हूँ। अच्छा, अभी एक महीना हुआ आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो भाई का अभी नया नया प्रमोशन हुआ यहाँ पर, अभी ये इनको कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में अभी, तो पूछना भी सही नहीं है। तो कोई बात नहीं यार, अक्सर होता रहता है कि नए नए लोग जब आते हैं तो उनको जानकारी अक्सर होती नहीं है। बाकी चलिए देखते हैं अभी अगला व्यू, उसके बाद मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। बाकी दोस्तों ये देख सकते हो पूरा लुकिंग, यहाँ बाहर का लुकिंग बहुत शानदार लग रहा है एकदम यार। बाकी जब हम लोग गए थे यार उधर हिमाचल वाला प्रदेश में, तो इसका लुकिंग बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन गाजीपुर के दोस्तों ये बात ये है कि यहाँ पर खूबसूरत बहुत लग रहा है यार, पूरा मस्त लग रहा है व्यू उसका एकदम ज़बरदस्त। और दोस्तों वहाँ पर जाने, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कुछ लग नहीं रहा मुझे, और यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जाने के लिए लगता है कि बैठने के लिए थोड़ा बहुत है, और यहाँ पे लोग अक्सर बैठते रहते हैं। लेकिन भाई सभी लोग को, स्टूडेंट के लिए दोस्तों ये फ्री है, बाकी जो अगर कोई आना चाहता है दोस्तों तो उसको मतलब जो फी होती है फीस, उसको फीस देना पड़ेगा, और बाकी स्टूडेंट लाइफ के लिए सही है। तो मैंने भैया से बात किया, वो काम हो गया था अपना लाड कार्नवालिस के लिए, तो फैमिली के लिए सही नहीं है, बाकी स्टूडेंट और गर्लफ्रेंड बॉय के लिए सही है। बल्कि तो आप बिंदास आइए घूमने के लिए, बहुत रोमांटिक जगह है, और लाड कार्नवालिस रोमांटिक जगह है ही है, मतलब कल समझ सकते हैं कि ये फॉरेन और आज़ादी के टाइम का था दोस्तों ये। तो गाजीपुर धरती दोस्तों शहीदों की धरती कही जाती है, गाजीपुर धरती दोस्तों शहीदों की धरती कही जाती है, और यहाँ पर आर्मी वाले ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ पर दोस्तों पैसा और इज्जत दोनों बहुत प्यारा है। बाकी ये देख लो भाई साहब, इतना ज़बरदस्त लग रहा है व्यू मुझे, इतना ज़बरदस्त व्यू लग रहा है भाई साहब की क्या बताऊँ मैं यार, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसके बारे में। तो अब चलिए चलते हैं, लेट्स गो, उसके बाद जितना हो सका मैंने दिखाया, प्रयत्न किया, बाकी पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है एकदम यार। तो फ्रेंड्स चलिए ओके, अब बाय बाय, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ये मेरा वीडियो दोस्तों वीडियो था दो, चलिए भैया चला जाए।
तो दोस्तों ये चार माने देख रहे हैं दोस्तों कि यही जाएगा दोस्तों लाड करनवाली सरफ। तो दोस्तों ये पीजी कॉलेज का गेट है, ये गाजीपुर का पीजी कॉलेज गाजीपुर का ये गेट है दोस्तों, इसी भी सब लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं गाजीपुर के लोग। दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक दबा के करना पूरा एकदम, वीडियो को बहुत प्यार देना आप लोग। लाड करनवाली से दिखाया दोस्तों, और भी दोस्तों आपको वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों अच्छे अच्छे, तो आप लोग वीडियो साथ बने रहिएगा और वीडियो का इंतजार करिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा दोस्तों, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद वीडियो पसंद है सब्सक्राइब और लाइक कर देना आप लोग। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों कल वीडियो में।